पे बरसात का पानी भरता था और ये चोक हो जाता था, चोक होता था तो सारा पानी ऊपर आके वहाँ से उस रास्ते निकलता था। ये अभी भी जो आप पानी देख रहे हैं, जो गंदगी है, जो जमा है, वो सिर्फ नाली के पानी के चोक होने की वजह से है। आपको आते आइए नाली का एंगल निकाले, नाला ही लुक है, आप इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ पर्सनल जो पैसे खाने और घूमने निकालने के लिए जो नाला बोला है इन्होंने। जी जी भाई, सुबह जब ये आए तो मैंने कहा भाई कोई नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए, आपको क्या दिक्कत है, हम खुद कर लेते हैं। तो कहा नहीं, अब पीछे जेसीबी लेके आए और सीधा कार्रवाई चालू कर, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन ना मौके देखने में तो प्रॉब्लम लग रहा है जिस हिसाब से किया है इन्होंने। अगर नाली देखा जाए तो जहां पड़े हैं यहाँ पे सीमेंट किया सीधी का है, नाली इसके नीचे भी है, ये क्यों नहीं तोड़ी गई, नाली इसके नीचे भी है ना, वो नहीं तोड़ी गई। यहाँ कहते हैं मशीन सफाई हो जाती है, तो वहाँ पे नाला आपको दिखा दिया आपने, क्या नाला वहाँ नाले नाम की चीजें ही नहीं है, कहीं निकासी नहीं है, नाले की निकासी कहीं नहीं है। मीडिया के माध्यम से ये डरते हैं कि जैसा इन्होंने कहा उसको बना सकते हो, टोटल यहाँ पे कम से कम होंगे 300 दुकानदार और सारे लोग परेशान हैं। और ये नगर निगम का जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ पे इनका क्या रोल है, मैंने पूछा कि आप कुछ घटे कुछ नोटिस दें, तो कुछ भी नहीं है इनके पास। ऊपर से आदेश हो, ऊपर से आदेश हो, ऊपर से आदेश हो, साफ दिख रहा है जिन्होंने दिया पैसा उनका पूछा है, जिन्होंने नहीं दिया सारा पैसा, हाँ सारा पैसा सीधा दिख रहा है सामने, पैसे का खेल है, जिन्होंने नहीं दिया उनका तोड़ दिया, जिन्होंने दिया आप लगातार क्या पैसा, पैसा क्या है। आप देखिए क्यों सिलेक्टिवली तोड़ा जा रहा है भाई, आपको एक्शन लेना तो आपको भाई आप देखिए जेसीबी, अब बाकी लोगों को बोला जा रहा है कि आप खुद उतार लीजिए और यहाँ पे जेसीबी चीजें चला दीजिए, अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनको बोल दिया गया कि आप अपने हाथ से जो है जो कुछ भी हटा सामान हटा लीजिए, लेकिन हाँ ये सिर्फ यहाँ दुकान नंबर 80 से लेकर के और 90 तक इधर थी, इधर ही प्रॉब्लम सारा कुछ इधर ही हो रही है। और सुलभ शौचालय जो रोड तक है, अतिक्रमण देखिए सुलभ शौचालय का रोड तक है, रोड तक है, वहाँ पे हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा भाई साहब पहले मैं डॉक्टर विवेक राय हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ पेशे से, मैं पिछले 6 साल 5.5 साल से इस जगह पे अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाता हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस सामने हमारी दुकानों के सामने नालियाँ हुआ करती थी, जो कि आए दिन बरसात के टाइम पे चोक हुआ करती हो जाया करती थी और रिसाव होता था। तो हम उस परेशानी को लेके अंदर किसान बाजार या मंडी परिसर में जाते थे तो ये कहते थे कि ये एलडीए के, ये नगर निगम के अधीन में आता है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नगर निगम को जब हम कॉल करते थे, हेल्पलाइन पे कॉल करते थे, जगह जगह पे कॉल कराए, तो उन्होंने बोला ये अभी एलडीए के अधीन में है, नगर निगम के अधीन में नहीं है। बाद में हम लोगों ने खुद ही नालियों को साफ करवाया, साफ करवाने के बाद उनको ऊपर से ठकवाया, ठकवा के थोड़ा सा मतलब उनको, ताकि वो पत्थर इधर उधर ना हो, किसी बच्चे का पैर ना पड़े वहां पे, तो उनको ठकवा दिया। बाद में ये एलडीए से नगर निगम के अंदर में आ गई, ये सारा वहां से लेके यहाँ तक जो भी नालियां हैं। आज सुबह मंडी परिषद अचानक से उनका एक आदमी आया अंदर किसान बाजार में जो इंचार्ज है, और बिना नोटिस के उसने सारी नालियों को ध्वस्त करवा दिया, तोड़ दिया, नालियां अभी चोक कर गई, फिर से बरसात हो गया है, बरसात के पानी से पूरा नाली ओवरफ्लो हो गया है। सामने उस तरफ आप लोगों ने शायद देखा होगा, दिखाया होगा कि सारा नाले का पानी बाहर भरना चालू हो गया, पूरे एरिया में स्मेल आनी चालू हो गई। नोटिस अगर दे दिया होता 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले, जो कि बोला था कि हमने नोटिस लगाना था, उन लोगों ने नोटिस नहीं लगाया, बिना नोटिस के उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया सब सारा, ये बल्कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है। नगर निगम की तरफ से नोटिस होता तो कुछ उस पर नगर निगम ही आके कार्रवाई करता, ये उन्होंने खुद कार्रवाई की। आप लोगों ने सबसे बात किया, इनका कहना है कि डायरेक्टर साहब से भी बात किया, उन्होंने बोला कि 6 घंटे 5 घंटे का मोहलत बोला गया था, और उसने आओ देखा ना ताओ देखा, यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है और सीधा प्राइवेट जेसीबी बुलवा के, कोई पर्सनल खुन्नस थी या जो भी थी, प्राइवेट जेसीबी बुलवा के सब तोड़वा दिया सारा। अब आप उसको देखिए, जो भी कुछ बना हुआ है वहाँ पे सारी की सारी नालियां एक्सपोज हैं, कोई बच्चा उसमें गिर सकता है, कोई बूढ़ा उसमें गिर सकता है, पत्थर टूटे फूटे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर, नीचे नाली है, बहुत गंदी नाली है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। इनका कहना है कि हम इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, जब आपके अंडर में ही नहीं है, जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसका सौंदर्यीकरण।